Yes, you dug it. ये देखें जी कितना ऊंचा फ्लाई कर गया और सीधा घर की तरफ गया। बोल 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 शहजादे, जिस्म पे बाल को नहीं है माशाल्लाह, टॉकिंग अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज अभी हम लेके जाने वाले हैं जी अपने डेविल को बाहर की सैर करवाने के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ आपको कान की बातें बताते हैं, ये चेक करें। ये मिठू है, ये मिठू चुरी खानी। और ये हमारा गोल्डी भी बाहर आने को बेताब है, इसकी भी काफ़ी डेज से प्रैक्टिस नहीं करवाई। अभी दो चार दिन में एक केज है एक दोस्त के पास पड़ा हुआ, उसको मंगवा रहा हूँ और उसमें इसको अलग किया जाएगा, फिर थोड़ी प्रैक्टिस देकर इसको बाहर लेके जाएंगे, वरना इसकी कहानी भी हमारे डेविल जैसी बन जानी है। और लेकिन हमने वो कहानी बनानी नहीं है, वो क्यों बन जानी मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो अभी लेके चलते हैं जी डेविल को बाहर और दिखाते हैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। बोल 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 शहजादे, जिस्म पे बाल को नहीं है माशाल्लाह, टॉकिंग अच्छी है। हमारा जो जूबा है आजकल टॉकिंग छोड़ ही बैठा है, वरना पहले जूबा इतनी टॉकिंग करता था, लेकिन खैर कोई नहीं, चलते हैं आज शहजादे बाहर। तो फाइनली हम अपने डेविल को ले आए हैं जी ये हवेली में और यहाँ से आज इसको फ्लाई करवाने लगे हैं। फ्लाई करवाने का मकसद जो है, कोशिश करूँगा डेविल को यहीं पर उतारने की। आज से कोई 6 महीने पहले आप चले जाए ना पीछे, तो डेविल को जहाँ से मैं उड़ाया करता था, अगर हवेली से उड़ाया तो डेविल ने वहीं मेरे पास आ जाना, अगर बाहर फसलों में उड़ाया तो डेविल ने मेरे पास आ जाना। लेकिन अब जो कहानी हुई पड़ी है, डेविल अब कहता तेरे पास नहीं आना, घर जाना है। तो आज फिर देखते हैं कि डेविल मेरे पास आता है या घर लेके मुँह है। अपना माइंड बता दूँ, जो मुझे लगता है 70% डेविल सीधा ही घर जाएगा। यहाँ पे हमारा चांदी भी है, उसके साथ एक और ब्लैक माशाल्लाह से जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसका एक और भाई है, वो भी माशाल्लाह से मोटरसाइकिल के साथ ट्रेन हो चुका हुआ है। और वो इंशाल्लाह किसी दिन मैं उसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, और साथ अपने सैटिनेट जो उधर था बाबर भाई के पास, वो भी उन्हीं के पास है, हम दोनों की वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ये भी जब दोनों अच्छे ट्रेन हो गए तो इनकी भी आपको वीडियो शेयर की जाएगी। तो कहानी क्या है जी, अब डेविल हमारे कागज़ों में जैसे कहना फेल हो चुका हुआ, ये सिर्फ घर तक का अब रह गया, बाहर इसको छोड़ना का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि डेविल रुकता नहीं है, ठीक है। और अभी जो अभी उम्मीदें हैं गोल्डी के ऊपर है, और इसके साथ साथ जो हमारे दो न्यू रिंगनेक तैयार हो रहे हैं बच्चे, उनके ऊपर है, उनको वापस आने की ट्रेनिंग। ये माशाल्लाह बहुत इसकी अच्छी ट्रेनिंग थी, बस हुआ क्या कि बस घर से उड़ाना शुरू कर दिया, बाहर प्रैक्टिस कम कर दी, टाइम देना कम कर दिया, जिससे डेविल जो हमारा है ना घर का ही पक्का हो गया। तो इसी वजह से मैंने इसको रिटायरमेंट दे दी है, घर की हद तक ही रहा करे और उड़ाया करे। हाँ मुबाई छड़िए, हाँ चेक करो फिर, 2 मिनट खुदा लेट बंद करो ना, थोड़े दर्शन कराइए। ये जी अगले दिन जब मैं इसको शॉप के ऊपर से छोड़ा था, तो उड़ के ये घर आया, ये बंदा नीचे था रोड के ऊपर, ये मुझे ढूंढने लग गया कि तेरी छत पे एक तोता बैठा है। अब इसको नहीं पता था कि डेविल की आदत यही है सारा दिन घर खुले रहना। और ये देखें चाल मलंगी, ये सीधा गया, और इस टाइम डेविल का कुछ नहीं पता। ये यार ये देखें जी कितना ऊंचा फ्लाई कर गया और सीधा घर की तरफ गया है, सीधा इस टाइम घर की तरफ। और कहाँ, अभी मुड़ा नहीं है, आई थिंक शायद ज़रा नीचे की तरफ चला गया हो, पहुंच गया होगा घर।
तो डेविल यहाँ से हवेली के अंदर से गया है, पीछे से मुड़ के आया है ऊंचा होके और सीधा उसका जो रूट था घर की तरफ था, और घर जाके आई थिंक बैठ गया होगा। तो अब देखें, चाहिए इसको ये था जैसे कि पुरानी ट्रेनिंग में है कि जहाँ से मैं उड़ाता था वापस आता था, लेकिन गलती किसकी है, डेविल की नहीं, गलती जो है सारी मेरी है। तो बस जो वजह बनी है ना कि डेली मैं टाइम नहीं देना छोड़ दिया। शुरू में मैंने इतना फ्लाई करवाया, इतना करवाया, शौक था, नया नया चैनल ग्रो हुआ, नए नए इनको ट्रेन किया, तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी। अब थोड़ा सा पता है कि हर चीज़ ट्रेन हो जाती है, थोड़ा सा मैं भी ढीला पड़ गया बाहर लेके आने में। तो अब डेविल भी पक्का हो गया है घर की हद तक, यहाँ से उड़ता सीधा घर। विसल की है ये देखें, ये हवेली है पीछे, वहाँ से निकला है तो यहाँ से गोल होके ऊपर और सीधा वो जनाब घर की तरफ गए, घर जाके फ़ौरन बैठ गया। घर से कॉल आ गई, कहते हैं जी पैरेट आपने खोला है। तो मैंने कहा जी, अक्सर उनको होता है ना कि खुद ही, इसकी एक ये आदत है डोर ओपन करके खुद ही बाहर निकल आता है, शुरू से इसकी आदत है, बचपन ही से खुद ही निकल आता है बाहर। तो मैंने कहा जी मैंने ही छोड़ा, तो खुद ही अंदर रूम में चला जाएगा। और ये कह लें कि उसे क्या कहते हैं, नुकसान होते हैं बर्ड को कि डेली टाइम ना देने से बर्ड थोड़ा सा सिर फिरा बन जाता है। और गोल्डी अभी तक बेहतर है, उस दिन थोड़ा ये हल्ला गुल्ली कर रहा था जब लास्ट टाइम बड़ा जलील करके आया, लेकिन अब उसको मैं प्रॉपर टाइम दूंगा क्योंकि गोल्डी को इतना डर नहीं है। इसको मैं हाथ में बुलाने की कोशिश करता हूँ, पकड़ नहीं करता हूँ, ये डर जाता है, भाग जाता है। जो हमारा गोल्डी है वो बिल्कुल भी नहीं डरता, वो आ जाता है, बैठा रहता है हाथ के ऊपर। और इंशाल्लाह उसको थोड़ा सा परफेक्ट बनाएंगे, इंशाल्लाह अगले साल गोल्डी ने रिंग भी निकाल लेना, मेल बन जाना, जिस तरह डेविल के रिंग आ गया, गानी आ गई है, इसी तरह उसके भी गानी आ जाएगी, तो बड़ा प्यारा और लगेगा। और मकसद आपको ये चीज़ बताने का कि अक्सर लोग कहते हैं यार मैंने बच्चा लिया था, ठीक था, टेम था, अब वो काटने लग गया है। तो वो वजह यही बनती है कि आपको प्रॉपर टाइम ना देने की वजह से परिंदे को आदत पड़ जाती है काटने की, डरने की, दूर रहने की। हाँ, जिस हिसाब से आप पाल रहे हैं उसी हिसाब से आगे प्रॉपर उसको ले कर चलें डेली बेस पर, तो बर्ड आपका अच्छा रहेगा। अगर आपने वो सिस्टम नहीं रखा तो बर्ड घबराना शुरू कर देगा, डरना शुरू कर देगा, फिर टेमिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी। और मेरे भी अक्सर बर्ड के साथ यही हो जाता है। और ये सवाल तो आपका हल हो गया कि क्या वजह बनती है कि बर्ड आपने बच्चा पाला है उसके बाद काटना शुरू, डरना शुरू हो गया, तो ये वजह बनती है टाइम ना देना। डेली जिस तरह पालते रहे हैं, हाथ में पकड़ते रहते, उसी तरीके से डेली टाइम देंगे तो इंशाल्लाह बर्ड आपका अच्छा रहेगा, वरना डेविल बन जाएगा। तो चलिए घर जाके भी आपको दिखाते हैं डेविल की क्या कंडीशन बनती है, बल्कि घर मुझे लेट हो जानी है, अगर जल्दी पहुंच गए तो मैं आपको दिखा दूंगा, ना पहुंचे तो बल्कि अंदर कमरे में बैठा होगा, मैं दिखा दूंगा रात को भी जाके, क्योंकि वीडियो तब तक बना मेरे पास टाइम होता है अपलोडिंग करने का। अभी जैसा कि शाम का टाइम हो गया, देखें सुबह ग्रो हो गया, घर में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर तो डेविल नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है डेविल है अंदर। ये देखें जी, तो जैसा कि आपके सामने फ्लाई आपने चेक की है, हवेली से निकला है, ऊंचा गया है, ऊंचे से फिर ये हुआ है कि जनाब सीधा घर ब्रेक लगा रही है माशाल्लाह से। इसके साथ साथ कुछ और भी दिखाना था। ये माशाल्लाह हमारे जो शेराजी हैं ना, बिस्मिल्लाह हो गई है, आउट क्लास शेराजी हैं, लाहौरी शेराजी बोलते हैं, जर्मन ब्लड लाइन। तो इनका जो अंडे दिए थे जनाब, आई थिंक एक अंडा तो ख़राब है और एक माशाल्लाह से बच्चा निकला हुआ है। और फर्स्ट टाइम जिंदगी में हम अपने घर की ब्रीड की बच्चे को टेम करेंगे। दुआ कीजिएगा अल्लाह बुरी नज़र से बचाए इस बच्चे को और ये जल्दी से बड़ा हो जाए, सेम माँ बाप की तरह निकलेगा, साइज़ बड़ा, पैरों पे बाल चेक करें माशाल्लाह से, उसके भी अभी आ रहे हैं। और फिर आपको दिखाएंगे इसकी ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह, जिस तरह हमारा चांदी कर रहा है। और पहली ब्रीड आ गई है, एक पेयर ये मैंने लिया था वाइट का, पैरों पे बाल है लेकिन ये मेरे ख्याल दोनों मेल मुझे लग रहे हैं, दोनों मेल निकले हैं। एक पेयर ये बड़ा प्यारा, ये भी अंडा आया हुआ है, खुले रहते हैं तो देखें कब तक अंडे देते हैं। और ये हमारा डेविल है, खुला घूम रहा है, यहाँ से उड़ के गया, इसको करते हैं बंद।
ये देखें इसकी आदत है पक्की, और जो कि ख़राब हुई पड़ी है। हाँ हाँ